है। बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में भी एक सेक्युलर सरकार बनते बनते बहुत थोड़े से मार्जिन की वजह से रह गई। यहाँ भी जो सीट्स अभी गिरी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर आपके समाजवादी की हो, उसमें कहीं ना कहीं खबरें यही आ रही हैं कि उसमें बीएसपी का और एमआईएम का और ऐसी कुछ पार्टियों का उसमें रोल रहा है कि इन लोगों ने वहाँ पे वोट्स का बंटवारा किया। बेहतर ये होता सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर लड़ते या एक अंडरस्टैंडिंग से लड़ते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में मदद मिलती। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं कांग्रेस के शहर और जिला सदर के पास मौजूद हूं कार्यालय पे, हिशाम उस्मानी साहब के पास, और हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि यूपी के अंदर जो भी सियासी हालात में बदलाव आया है उसी बदले हुए हालात पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि आपकी पार्टी की जो भूमिका रही है, जो भी नतीजे आए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो नतीजे आए हैं इसको तो जनता का कौल समझकर हर सियासी पार्टी को इसको तस्लीम करना होगा, लेकिन ये नतीजे बिल्कुल भी हमें ज़रा सी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म से मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही थी और जो हमको रिपोर्ट्स यूपी से मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद यूपी का प्रभारी रहा हूँ पहले 2 साल पहले, सेंट्रल यूपी का, तो वहाँ पे कई लोग अपने दोस्त अहबाब हैं और जानने वाले हैं, उनसे पता ये चल रहा था कि बीजेपी हर तरफ धांधली करना की कोशिश कर रही थी। इलेक्शन वोटिंग के दिन भी उन्होंने कई जगहों पे ईवीएम मशीन्स में और इसमें प्रॉब्लम्स की, उसके बाद भी जो सारे वीडियोस आए तो आपने देखा कि ट्रक भर भर के ईवीएम मशीन्स के जो है तो ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी। कभी ये कह रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए, कभी कह रहे थे कि हाँ वो ऑफिसर से गलती हुई, ये सारा एक वोट टैम्परिंग हुई, जो वोट को डिवाइड करने का जिस तरीके से काम हुआ। कांग्रेस पार्टी जहां उनको लग रहा था कि यहां हमारी सीट निकल सकती है वहीं मजबूती से लड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारी सीटें कम आई, लेकिन बीजेपी का इतनी तादाद में आ जाना ये मुझे लगता है मुल्क की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो मंसूबे हैं, जो एजेंडे हैं, ख़ास तौर पे खसूसी तौर पे अक्लियत मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को लेकर, एससी कम्युनिटी को लेकर, ओबीसी को लेकर, वो बिल्कुल भी कहीं भी इस देश के लिए सही नहीं है। ओबीसी को वो एक कम्युनल एक अपील करके अपने साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि ओबीसी का भी जो आज रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप का हाथ है और उसको स्टेट पे ढकलने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह डाटा जो है सारा उनका वो सेंट्रल ने ही अपने पास दबा के रखा हुआ है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और ओबीसी को एक तरीके से कंफ्यूज स्टेज में रखा है। उसी तरीके से एससी समाज के साथ और माइनॉरिटीज समाज के साथ जिस किस्म से बिल लाए जा रहे हैं, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सेक्युलर पार्टी के नुमाइंदों का पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि ये मेरा, ये तुम्हारा, ये इसका, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे गिरे वो भी थोड़े थोड़े वोट से गिरे, कांग्रेस का भी जो नुकसान हुआ तो ये भी आपके जो वहाँ की कुछ एक दो छोटी पार्टियाँ थी उन्होंने साथ नहीं आकर वो एक अपना प्लेटफॉर्म और एक अपना झंडा उन्होंने अलग से बुलंद करके लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से योगी सरकार और बीजेपी को मदद मिली रिपीट होने में। सर, आजकल मीडिया में चर्चा है, हम देख रहे हैं कल से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एमआईएम पर भी जो है तो कई इल्जाम लग रहे हैं कि अगर एमआईएम अगर मैदान में नहीं होती तो शायद नतीजे कुछ और था। ये आप एक बतौर शहर सदर इस और सियासत तक इस तमाम बातों के इल्जाम को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, पूरी वोटों की लिस्ट तो मेरे पास अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन जितना हम समझते हैं सियासत को, चाहे बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में भी एक सेक्युलर सरकार बनते बनते बहुत थोड़े से मार्जिन की वजह से रह गई। यहाँ भी जो सीट्स अभी गिरी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर आपके समाजवादी की हो, उसमें कहीं ना कहीं खबरें यही आ रही हैं कि उसमें बीएसपी का और एमआईएम का और ऐसी कुछ पार्टियों का उसमें रोल रहा है कि इन लोगों ने वहाँ पे वोट्स का बंटवारा किया। बेहतर ये होता कि अगर आप किसी समाज के हिमायती हैं या इस मुल्क के संविधान के लिए अगर आप लड़ रहे हैं बचाने के लिए, तो बेहतर ये होगा कि सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर लड़ते या एक अंडरस्टैंडिंग से लड़ते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में मदद मिलती।
सर, आने वाले चुनाव में अब ये सर ये चुनाव जो हुआ इसमें जनता में ये भी चर्चे हैं कि आखिर क्या वजह है, जैसा आप जैसे बताएगा अब यूपी के बहुत जिम्मेदार रह चुके, तो कभी इस विषय पर चर्चा हुई कि भाई MIM को लेके भी करके साथ में लड़ा जाए या उनका जहन बनाया जाए, इसकी पर मीटिंग हो, ऐसी कुछ चर्चाएं हुई थी सर कभी यूपी में या यूपी में तो MIM का कोई कैडर भी नहीं था, कोई बेस भी नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में चर्चा करना तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी वो किया होगा। वो खुद उस रिंग में वहां पे जाके कूद गए। जब आपको पता है कि देश इस वक्त इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है तो ये प्रयोग करने का समय नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में एक अच्छा एनवायरमेंट हो। आप ऐसे समय में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जब आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेस कम है, मौके कम है और हमको जीतना ही है हर हाल में। इस वक्त BJP एक मंसूबे के तहत RSS का जो 100 साल पुराना या उससे भी पुराना जो एजेंडा है उसके ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे समय में सबने एक आकर उसको रोकने की जरूरत है, ना कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खड़े करके। तो जहां अगर उनका पहले से वहां पे प्रभुत्व है या उनकी अगर मजबूती है वहां तो उनके बारे में चर्चा हो सकती है, जैसे अगर कोई तेलंगाना जाए तो वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यूपी बिहार में जहां वो कभी उनका पॉलिटिकल कुछ रही नहीं, वहां पे आप जाके एक नया प्लेटफॉर्म अगर खड़े करना चाहेंगे तो वो क्या मैं क्या कोई भी अगर करेगा ये चीज़ तो डेफिनेटली उस पर उंगलियाँ उठना या उस पर इल्ज़ाम लगना ये स्वाभाविक है। सर, ये भी सोशल मीडिया भी इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं जनता के बीच में कि यूपी चुनाव में अगर BSP है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी, एक अगर अपना एक युति होती है, एक अपना इसका अलायंस होता तो शायद कुछ नतीजे कुछ और होते, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति के अंदर ऐसा तो चाहते तो सब हैं, पिछले बार हम लोग समाजवादी के साथ मिलके लड़े थे लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आपने देखा कि एक तरीके से समाजवादी ने और कांग्रेस ने और बाकी इन्होंने एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, ये सब ने कॉन्सेंट्रेट किया BJP के खिलाफ। उसके अंदर जब आपने देखा कि जब समाजवादी की रैली निकल रही थी और माननीय हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी की भी रैली वहाँ आ रही थी, तो एक बहुत सभ्य तरीके से, एक बहुत कल्चर्ड तरीके से वो वहाँ खड़ी रही, उनकी रैली को जाने दिया और बाद में ट्विटर पर उनको शुभकामनाएँ भी दी। तो एक राजनीति जो होती है ये पहले जो चली आ रही थी वो एक महजब तरीके से चली आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी और BJP के इस वक्त एक जो उभार आया है राजनीति में इनका, इसके बाद हमारे देश की राजनीति एक बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है जिसकी के निंदा पूरे विश्व में हो रही है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसको अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से इसको कवर किया गया होगा अगर आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। राजनीति की यानी दिल्ली की राजनीति जो होती थी उसको ये लोगों ने गली के स्तर पे जाके कि जो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक कर देना, मोदी जी ने एक पार्टी के चिन्ह को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, किसी की फैमिली पे डायरेक्ट अटैक कर देना, तो ये राजनीति नहीं, ये बहुत निचले स्तर की सोच है इसको मैं कहूँगा। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसा नतीजे आए जनता में इस बात की भी बहुत ज़्यादा शोर से चर्चे हैं कि अगर ये हाल रहा तो आने वाला कदम यकीनन ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाएगा, ये बात कहाँ तक सही समझते हैं आप? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो BJP के जो मंसूबे हैं या जो उनके यानी जो भी उनके पंजे हैं, खूनी पंजे, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, वो ज़रूर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र से आते हों, अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अगर हम अपने संविधान से प्यार करते हैं, तो हमको सबको एक सोच के तहत, भले हम किसी भी पार्टीज में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप राजनीति में हो ना हो, लेकिन हम सबको एक सोच से आगे चलना पड़ेगा, तभी ये मुल्क जो है, जो हमारा प्यारा मुल्क है भारत, ये टिक पाएगा और दुनिया में सर उठा के आगे चलेगा, वरना BJP इसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।